Okay, I'm standing here in front of an office which apparently does a lot of social work, and people here are pretty active in terms of trying to solve people's social problems. So I've got a few youngsters here, and I'm trying to get a vox pop out of them. Ji janab, aap zara apna taaruf karein. Shafaq Khazi mera naam hai. Ji ji. Main ek samaji humne ek tanzeem banayi hai HRSP Hindi Rural Support Group. Usme sadr ki haisiyat se kaam kar raha hu. Hamara jo maqsad hai logon ko affected person hai jo dard ke baad tasarruf hai. Ji ji. पहले बुनियादी तौर पर हम यू एस पे काम कर रहे हैं, फिर उससे बाहर निकल गया तो तहसील थे, फिर आवाज कश्मीर में हम लोग काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा जो बड़ा टारगेट है कि दुनिया के किसी कोने में भी कहाँ चार कहीं भी लोगों को इमदाद की जरूरत पड़ती है, कोशिश करेंगे कि हम लोग वहाँ जाके आप बात करते रहे, मैं जरा कैमरा आगे पीछे फिराऊंगा, लेकिन आप मुझे हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं वो ज़रा आप मुझे बताएं कि वो क्या हैं। ठीक है, चाहे अफवाह वो इंसाफ के हवाले से हो या हमारे ऊपर जो इंडिया पाकिस्तान की फौज के होने की वजह से जो पाबंदियां हैं वो हो, और थोड़ा सा मुस्तकबिल के बारे में बताएं कि हमें क्या करना है। ठीक है, बात करते हैं आप, ऑडियो इसमें चली जाएगी। जी हमारे यहाँ जो लोकल मसाइल हैं जी, अगर मैं जिक्र करना शुरू करूँ तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए तो काफ़ी गड्ढे दरकार हैं। जी जी, इतने मसाइल हैं। नहीं, आप खुलासा बताएं, एक समरी के अंदर आप मुझे बताएं। तो यहाँ ये यह है कि सबसे बड़ा मसला जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं, जो हमारे जो करीब में दोनों फोर्सेज वाकई हैं, तो उनकी जो आए दिन टेंशन होती है जिसकी वजह से यहाँ का जो निज़ाम ज़िंदगी वो अक्सर मफलूज हो जाता है। इंडियन आर्मी फायरिंग करती है तो पाकिस्तान की आर्मी भी वहाँ फायरिंग करती है, इससे ऐसे से थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज आया है कि ये जो बॉर्डर से थोड़ा सा अमन आया है, वो जो ये लोगों को आने जाने से वो भी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए थी। जी इसमें भी इजाज़त देना पड़ती है और उसके बहुत सी रुकावटें खड़ी कर दी जाती है कि ये लोग पता नहीं किसी तंजीम से हैं किससे हैं। जी जी, तो होना ये चाहिए कि लोगों को खुली इजाज़त होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आईडी है तो आईडी कार्ड है तो उसे उस तरफ जाने की इजाज़त होनी चाहिए। जी या ये इतना चीज़ रहता है जिसकी रिलेशन वहाँ हो, जिसका कोई रिश्तेदार वहाँ हो तो वही जा सकता है। सही है, इस चीज़ से मैं समझता हूँ कि अगर इसकी ये पाबंदी ना हो, हर बंदे को आने जाने का अगर मौका मिले तो एक दूसरे से एक दूसरे के जो रस्म रवाज है जो चाचा से हमारे जो मुस्लिम थे उन्हें तकसीम करने के लिए वो हमें तकसीम नज़र आ रहे हैं तो वो शेयर करने में हमें भी मदद मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिरी बात मुझे आप इंसाफ के हवाले से बताएं, क्या यहाँ पे इंसाफ मैसर है? यहाँ पे इंसाफ नाम की मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ जो MLAs हैं, जो मिनिस्टर अफराद हैं, जो बलादस्त अफराद हैं, कानून से गुण के लिए है। बस कानून जो इम्प्लीमेंट होता है जो सिर्फ गरीब के लिए होता है, जो अमीर लोग हैं वो तो अपने वो असर और रसूख किसी डिपार्टमेंट में आप देखें, आप एजुकेशन में देखें, कोई एक टीचर अगर नहीं पढ़ा रहा है तो उसके खिलाफ कम्युनिटी अगर मिल के कोई एहतजाज करती है उसके खिलाफ उसका ट्रांसफर करवा देती है किसी वजह से, फिर वो मिनिस्टर से या किसी बड़े बंदे से मिल के वो अपना ट्रांसफर रुकवा देता है, तो उससे ये होता है कि जो गरीब की आवाज़ है वो वहीं दब जाती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी।